आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सपाइयों ने जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा पदयात्रा निकाला, जिसके संबंध में सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपा के लोग 8 अगस्त से हर घर तिरंगा लगवाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जो पार्टी कार्यालय से होते हुए पांडेहाता, घंटाघर, रेती चौक, नखास चौक, घोष कंपनी होते हुए टाउन हॉल गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसिफ अली, उषा मेहता के साथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद स्वतंत्र भारत में भी समाजवादी तिरंगे की शान बढ़ाने में लगे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक घर घर तिरंगा अभियान चलाकर आज़ादी की विरासत को आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रहलाद यादव, यशपाल रावत, अखिलेश यादव, रूपावती बेलदार, जयप्रकाश यादव, बिंदा देवी, सिंहासन यादव, रामजतन यादव, अशोक यादव, रामनाथ यादव, हरि यादव, दयाशंकर निषाद, राहुल यादव, सुशीला भारती, सुमन पासवान, बाबूराम यादव, सूरज जायसवाल, अभितोष गिरी, देवेंद्र भूषण निषाद, राजेंद्र यादव, विक्की निषाद, बाबूराम विश्वकर्मा, ज्योति यादव, अभिषेक यादव, कीर्ति निधि पांडे, अमर अग्रहरी, चंद्रभान प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग हर घर तिरंगा लगवाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तिरंगा यात्रा गोरखपुर में निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो लोग जिन लोगों ने आज़ादी के समय से तिरंगा का अपमान किया, सिर्फ एक रंग की बात किया, आज वो लोग तिरंगा को सम्मान देने की बात करते हैं। इसलिए समाजवादियों ने अभियान चलाया घर घर जाकर के कि आज़ादी की लड़ाई में समाजवादियों ने अपनी कुर्बानियां दी, खून बहाया, और आज अपने उन्हीं पापों को धुलने के लिए कुछ लोग तिरंगा घर घर लगाने की बात करते हैं। इस अभियान को समाजवादी कार्यकर्ता एक एक घर जाकर सफल कर रहा है। उसी अभियान की कड़ी में आज तिरंगा यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है। समाजवादी पार्टी का ये तिरंगा यात्रा यहाँ कार्यालय से शुरू होकर के नारमल के पास से दाहिने पांडेहाता होते हुए, घंटाघर होते हुए, रेती चौक होते हुए, नखास होते हुए, दाहिने से मुड़ करके सीधे जाके टाउन हॉल पर ख़त्म हुआ।